चैप्टर 4 वर्स 19-20, फिलिपियों का 4 अध्याय और 19 और 20 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिलिपियों का 4 अध्याय 19 और 20 आयत में, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। आज यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, गॉड विल मीट योर नीड्स। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, गॉड विल मीट योर नीड्स। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं को तो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हर एक कमी घटी को, हर एक हमारी आवश्यकताओं को, हर एक जरूरतों को वो परमेश्वर पूरा करता है। हमारे जीवन में बहुत सारी जरूरतें होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएँ होती हैं। हम इस संसार में हम जीवन जी रहे हैं, हमारा खाने पीने का भी हो, पहनने ओढ़ने का भी हो, यूजलेस बहुत सारी चीज़ों का होता है सामान, बहुत सारी चीज़ें हमारा रुपया पैसा का, आर्थिक भौतिक आत्मिक सब कुछ परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करूँगा, मैं तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करूँगा। परमेश्वर के वचन में कहा वो हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है, करने वाला हमारा परमेश्वर है। यदि बीमार में है आपको जरूर चंगाई के लिए जरूरत होता है, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। वो सब हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पूरा करेगा, परमेश्वर के वचन में कहा भाई बहन। लेकिन हमें उस पर अपना भरोसा बनाए रखना, उस पर हमें विश्वास रखना, उससे प्रार्थना हमारे लिए करना चाहिए, प्रभु के पास में आना, उस पर उससे हमारे लिए प्रार्थना करना, प्रभु से हमारे लिए अपनी जरूरतों को परमेश्वर के आगे हमें रखना। परमेश्वर हमारे जीवन में यह आवश्यकताएँ, ये हमारी जरूरतें हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए हमें उसकी ओर हमें देखकर जब हम चलते हैं, उस पर विश्वास हम करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करता है जब हम उससे प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2 में परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 2 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों तुम यीशु मसीह की ओर देखकर चलना, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। भाई बहन, यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं, हमें खुदा की ओर हमें देखकर चलते रहना है, उसमें हमारे लिए बने रहना है, तो वो हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं के लिए, हर एक घटी को वो परमेश्वर पूरा करेगा। और प्रभु के पास में हमारे लिए आना, प्रभु विश्वास करना, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन हमारे लिए पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु के पास में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यीशु मसीह की ओर देखकर हमारे लिए चलना, अब यीशु मसीह की ओर देखकर हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हर एक जरूरतों को आपकी वो खुदा पूरा करेगा। यदि आप संसार की ओर देखकर चलेंगे, आप दुनिया की ओर देखकर चलेंगे, तो जो कि जीवन में समस्या होती है, दुख उठाते हैं। संसार में बहुत सारे लोग दुख में पड़े रहते हैं, किसी के पास में खाने के लिए नहीं है, किसी के पास में पहनने के लिए नहीं, किसी का कमरा का किराया नहीं निकलता, किसी का नौकरी सही नहीं चलता है, बहुत लोगों के जीवन में दुख होता है, समस्या होती है। लेकिन प्रभु के पास में आने वाले लोगों के लिए, जो यीशु मसीह के पास में आते हैं, उसको विश्वास करते हैं, उसकी ओर जब हम देखकर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए हमें उस खुदा की ओर, यीशु मसीह की ओर हमारे लिए देखकर चलना चाहिए, उस पर हमारे लिए विश्वास भरोसा रखना चाहिए। भाई बहन, तो हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो खुदा हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर को सारा अधिकार दिया है और परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है, इसलिए हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 20, इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 20 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, शक्तिशाली खुदा है, उसके लिए कुछ भी असंभव है नहीं करने के लिए, वो खुदा सब कुछ कर सकता है। इसलिए हमारे लिए असंभव जैसा लगता है, क्या होगा हमारे जीवन में, परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा, होगा नहीं होगा, ये हमारे लिए नहीं सोचना चाहिए। और खुदा के पास में हम आते हैं
तो खुदा हमारे लिए करता है, क्योंकि वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, वो शक्तिशाली परमेश्वर है, उसने हमारे लिए बनाया है, जीवन दिया है, वो जानता है। लेकिन वो खुदा चाहता है कि हम अपनी ज़रूरतों को उसके आगे हम रखें, पेश करें, उसके पास में हम आएँ, उससे हम मांगें, प्रार्थना करें, ये प्रभु का इच्छा होता है। इसलिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो हमारे लिए कर सकता है। भाई बहन, भाई परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूँ भाई बहन, क्योंकि वो खुदा हमारा कभी भी बदलता नहीं है, हमेशा वो एक जैसे रहता है। यीशु मसीह आज का और युगानुयुग एक जैसा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है हेब्रू चैप्टर 13:8, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13:8 में परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु मसीह आज का और युगानुयुग एक जैसा प्रभु है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो कभी भी बदलता नहीं है। पहले भी प्रभु एक जैसा था, आज भी वैसा ही है, और कल भी हमारा खुदा वैसा ही बना रहा है, वो कभी भी बदलता नहीं है। यीशु मसीह आज का युगानुयुग एक समान परमेश्वर है, इसलिए वो कभी भी बदलता नहीं है। पहले भी वो हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करते आया है, आज भी वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, आगे भी वो खुदा हमारी हर एक ज़रूरतों के लिए पूरा करता रहेगा। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ भाई बहन, क्योंकि वो हमारा बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, इसलिए हमें उस खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है मलाकी चैप्टर 3:6 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, मलाकी उसका 3:6 में भी, कि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं हूँ। वो परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। मनुष्य चाहे बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। मनुष्य को बोलकर भी मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हारी ये जरूरत मैं पूरा कर दूंगा, ये तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए करूँगा, वो मैं तुम्हारे लिए दे सकता हूँ, हो सकते मनुष्य बदल जाते हैं, लेकिन खुदा हमारा कभी भी बदलता नहीं। यीशु मसीह हमारा कभी नहीं बदलता है। इसलिए भाई बहन, वो किसी भी चीज़ों का अभाव हमारे जीवन में नहीं होने देता है, वो हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए आज प्रभु के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, कभी भी वो हमारे लिए भूखा नहीं रहने देता है, कभी वो हमारे लिए नंगा नहीं रहने देता है, कभी भी हमारे लिए वो जो है कि भूखा प्यासा नहीं रहने देता, हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं के लिए पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो किसी के आगे हमारे लिए हाथ भी नहीं फैलाने देता है, किसी के आगे भीख भी नहीं मांगने देता है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है साम्स चैप्टर 37:25 भजन संहिता उसका 37:25 में लिखा है कि परमेश्वर धर्मी लोगों के लिए कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता है, कभी भीख नहीं मांगते। प्रभु के वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के दास बोलता है दाऊद कि मैंने अपने बचपन से लेकर मैं देखते आया, बुढ़ापे तक भी मैंने देखा, लेकिन मैंने धर्मी लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए जो उसको विश्वास करते हैं जिंदा खुदा के लिए, मैंने किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं देखा, किसी के आगे कोई रुपया पैसा मांगते नहीं देखा, किसी के आगे कोई मैंने खाना मांगते नहीं देखा। परमेश्वर के वचन में लिखा है भाई, क्योंकि हम उस जिंदा खुदा के हम संतान हैं, बच्चे हैं, कभी भी हमारे लिए वो ऐसा हालात ऐसे सिचुएशन हमारे जीवन में नहीं आने देता। बहुत सारे लोग हमने देखा है भीख मांगते, आपके पास में रुपया पैसा मांगने वाले बहुत रहे आते हैं दिन भर में, और जो है कि बहुत सारे लोग खाना के लिए भी उनके पास में पैसा नहीं होता, भीख मांगते रोड़ों में बैठते, उस लोगों का बुरा हाल होता है जो प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा उनका बहुत सारे लोगों का ऐसा जो है कि जीवन होता है। लेकिन जब खुदा पर हम विश्वास करते हैं तो वही लोग परमेश्वर हमारे लिए ना लज्जित होने देता है, ना शर्मिंदा हो देता है, ना होने देता है, ना किसी के आगे हाथ हमारे लिए फैलाने नहीं देता है। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। इसलिए गाइडन जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, एलिया का कहानी जब हम देखते हैं, जो वो परमेश्वर ने, परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की आज्ञा को माना कि तुम यहाँ से जाकर वो नाले के पास में चले जाओ और मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए भोजन खिलाऊंगा, परमेश्वर ने अपना प्रतिज्ञा को पूरा किया। एलिया के लिए परमेश्वर ने भोजन खिलाया, अच्छा भोजन परमेश्वर ने खिलाया, परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने माना। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को हमें मानना चाहिए, वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है और किसी भी चीज़ों का अभाव नहीं होने देगा। हमारे लिए परमेश्वर अच्छा भोजन का इंतजाम करता है, और विधवा के लिए भी देखो उसका जो है कि घराना के लिए परमेश्वर ने बचाया, ना तो उसके पास में कुछ खाने के लिए नहीं था, थोड़ा सा जो है कि तेल था कुपी में, थोड़ा सा आटा था उसमें डब्बे में, और परमेश्वर के दास ने उसके लिए रोटी बनाकर दिया, थोड़ा पानी पिलाया और उन्हें प्रेयर कर दिया, तो देखो उसका घराना जो है कि परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि वो अकाल में बहुत दिन तक उसका घराना खाते रहे, और परमेश्वर ने उसके उनके लिए भूखा प्यासा
नहीं रहने दिया, उनकी जरूरतों को पूरा किया भाई बहन। वो खुदा हमारी भी जरूरतों को पूरा करता है। इसराइलियों की कहानी देखते हैं, जब परमेश्वर मिस्र देश से उनके लिए निकाल कर लेकर आ रहा था और जंगल में जब वो वहाँ पर आ गए तो परमेश्वर ने देखो उनके लिए भूखा प्यासा नहीं रहा, स्वर्ग से उनके लिए रोटी खिलाया, स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसा कर परमेश्वर ने उनके लिए खाना खिलाया, परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया भाई बहन। वो खुदा आज आपकी और मेरी हमारी भी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने परमेश्वर के पास में 5,000 लोग आए हुए थे और वहाँ पर खुदा के पास में देखो वो वचन सुन रहे थे, वहाँ पर दिन दिन भी हो गए थे लेकिन उनके पास में खाने को भी कुछ नहीं बचा। और यीशु मसीह बोलते हैं ऐसे भूखा नहीं भेज सकता मैं, और 5 सुअर की रोटियाँ और 2 मछलियों से प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों के लिए खिलाया, उनके लिए इंतजाम किया, जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया भाई बहनों। खुदा आपकी और मेरी जरूरतों को पूरा करता है जब हम उस पर अपना भरोसा विश्वास बनाए रखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके पास में हम आते हैं। क्या हमारी ज़रूरतें हैं आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है, लेकिन हमें परमेश्वर के पास में अपनी ज़रूरतों को लेकर आना चाहिए, खुदा के आगे हमें बोलना चाहिए, खुदा हमारे जीवन में ये चाहिए, हमारे को ये ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे हमारे जीवन में जो कि आवश्यकता होती है, हम इस संसार में जीवन जी रहे हैं, इसलिए प्रभु के पास में हमें अपनी ज़रूरतों को लेकर आना चाहिए। जब खुदा के पास में अपनी ज़रूरतों को हम लेकर आते हैं, प्रभु से हम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस खुदा में हम बने रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, उसके साथ में जब हम चलते हैं, यीशु मसीह के साथ में हम बने रहते हैं, जीवन जीते हैं, चलते हैं, तो खुदा किसी भी चीज़ों का अभाव नहीं होने देगा। प्रभु के वचन बोला कि मैं तुम्हारी हर एक ज़रूरतों के लिए पूरा करूँगा, परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरत आवश्यकताओं के लिए यीशु मसीह पूरा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसके पास में हमें आते रहना, विश्वास में हमारे लिए बने रहना और उस पर भरोसा रखना, उससे प्रार्थना करते रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। जो भी हमारी ज़रूरत आवश्यकता है खुदा के वचन में कहा है कि मैं तुम्हारी हर एक ज़रूरतों के लिए पूरा करूँगा, वो खुदा हमारी हर एक ज़रूरत आवश्यकताओं के लिए यीशु मसीह पूरा करेगा और हमारे जीवन में आशीष देगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देगा।